नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट महात्मा, क्रिप्टो की सही जानकारी यहीं पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेबी डोज क्वाइन में। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसकी वजह से उसके प्राइस में तेजी पकड़ चुके हैं। तो इस वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे आप स्टेबिलिटी तो बना सकते, आप एवरेज करना चाहे अपने टोकन के प्राइस को तो यहां एवरेज कर सकते हैं, बट बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो फ्रेंड है वो सब कमेंट में लिख, सर आज हमने $1,000 डाला, $2,000 डाला, कोई बोलता है सर हम इसमें ₹1.5 लाख डाल चुके हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रातों रात अरबपति करोड़पति बनने वाले नहीं है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्रिप्टो में। और साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए, ये आप सबके प्यार का नतीजा है कि एक मैंने वीडियो बनाया जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है छोटा सा कि प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। इसमें व्यू आएगा तो आप देखोगे तो आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं बेबी डोज कॉइन में क्या बड़ी अपडेट। तो दोस्तों इस समय हम लोग कॉइन गीको पर हैं और यहां पे हम लोग बेबी डोज के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसकी वजह से इसके प्राइस में आप अचानक से तेजी देख रहे हो। यहां पे आप देख सकते हो कि इनकी जो सप्लाई, लास्ट टाइम में मैंने इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाया था कॉपी पेन से, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ 6680 का हाई लगाकर 6184 का लो लगाकर बीच में ट्रेड कर रहा है। यहां पे आप देख रहे हो जो स्टेबिलिटी बनी हुई है प्राइस की, वो ये बनी हुई है और यहां से ये अपना जो सपोर्ट ले रहा था वो क्रॉस कर चुका है। तो डेफिनेटली ये प्राइस आप यहां पे ऊपर देख सकते हो, बट एक सपोर्ट कटने के बाद यहां पे दोस्तों आपको समझना ये होगा, यहां पे कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि हाई पे सेल कर रहे हैं और लो पे बाई कर रहे हैं। तो वो ट्रेंड थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, हम लोगों को भी समझना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा मार्केट में क्या कहते हैं ना, मैनिपुलेशन चल रही है कि भाई मार्केट क्रैश हो चुकी। बहुत सारे यूट्यूबर क्रेडिट लेने के चक्कर में पहले ही वीडियो बना दे रहे हैं कि मार्केट क्रैश अगेन और ये सब पूरा बड़ा बड़ा थंबनेल। तो क्या हो रहा है, पैनिक सेलर आ रहे हैं। तो आपको इन सब भ्रांतियों से बचना है, आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, ज्यादा नहीं करिएगा। यहां पे आप देख सकते हो हाई लो का परसेंटेज, अब 3 महीने पहले इसने जो हाई लगाया था उससे लगभग 49% पीछे चल रहा है। तो दोस्तों हमें ट्विटर पे चलना चाहिए और देखते हैं वहां पे कौन सी बहुत बड़ी अपडेट है जो इस पूरी गिरती हुई या कहें कि स्टेबल मार्केट में बेबी डोज क्वाइन के प्राइस को ऊपर ले जा रही है। तो चलिए, तो दोस्तों इस समय हम लोग ट्विटर पर हैं और एक बहुत बड़ी अपडेट बेबी डोज क्वाइन में आई हुई है जिसका आप सब लोग अंदाजा भी नहीं कर रहे थे। काफी दिनों से ये आ रहा था कि ऐसा होगा आने वाले समय में, क्योंकि काफी दिनों से बेबी डोज क्वाइन का जो प्राइस था वो स्टेबल बना हुआ था। और यहां पे आप देख रहे हो कि बेबी डोज क्वाइन ऑटोमिक वॉलेट पे ऐड हो चुका है ये, बट इस पे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, ये जनरली वीडियो आता रहता है सभी टोकन पे लेके मेरा, पर अभी बेबी डोज क्वाइन की जो अपडेट आई है वो सब बाजार में धमाका मचाने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखो कि बेबी डोज क्वाइन अपना एएमए करने के बाद आज बेबी डोज क्वाइन 3.2 quadrillion इज वर्थ एन एस्टिमेटेड $10 million का बर्निंग करने जा रहा है। सही सुन रहे हैं आप, बीएससी स्कैन के हिसाब से 3.2 quadrillion जो टोकन वो बर्न करेगा उसकी लगभग कीमत $10 million बताई जा रही है, जो कि कल होगा। यहां पे आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आने वाले समय में, इतनी बड़ी जो आप समझ नहीं सकते हो कि कई सारे ऐसे टोकन हैं जिनकी सप्लाई इसकी आधी होती है और यहां पे ये बर्निंग करने जा रहा है। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों एनएफटी में भी ये आग लगा चुका है बेबी डोज क्वाइन। आप सभी से रिक्वेस्ट है सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि पैसे आपके हैं। और आज मैंने ब्लॉग वीडियो बनाया तो उसे जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों एक अपडेट थी जो देनी थी, बस आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।